बिना देरी के। और इस कबूतर को पता नहीं क्या हो गया, ऐसे क्यों बैठ रही है। तो ये जो जंगली कबूतर आ चुका है देखो अभी दाना चुगने के लिए, अभी देखना दोस्तों अभी कैसे कबूतर को मारता भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखना दोस्तों, ये देखो दोस्तों, देख सकते हो हमारे कबूतरों को। हेलो गाइस, मैं अरविंद आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ, जिसका नाम है पिजन लवर हाई फ्लाइंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी कबूतरबाजी बढ़िया चल रही होगी, आपके सारे पेट एनिमल अच्छे होंगे। सो दोस्तों फैन देख सकते हो, मैं अपने सेटअप पर आ चुका हूँ जहाँ पर मैं कबूतरबाजी करता हूँ। सो दोस्तों अभी अंदर के अभी कबूतर खोलते, कबूतर बहुत ज़्यादा भूखे हैं तो उनको दाना देते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी बताने वाला हूँ जो मतलब हुआ है, और मतलब बहुत अच्छा खुशखबरी, आप सुनोगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा ही आने वाला है। और आप कमेंट बॉक्स में कर भी सकते हो कमेंट कि हम मतलब क्या है खुशखबरी, आप पहले भी कमेंट कर सकते हो, उसके बाद मैं आपको कभी खुशखबरी बताऊंगा। तो बिना देरी कभी कबूतर को दाना देते थे, क्योंकि सुबह से कबूतर बहुत ज़्यादा भूखे हैं, तो बिना देरी कभी कबूतर को खोलते हैं बाहर। जैसे कि देख सकते हो दोस्तों मैंने ताला भी खोल दिया है। सो दोस्तों बिना देरी कुंडी को खोलते हैं और कबूतरों को बाहर निकालते हैं, क्योंकि कबूतर बहुत ज़्यादा भूखे हैं। तो देख सकते हो मैंने एक कबूतर का जो है खंधे में तोला भी रख दिया ताकि इसी के अंदर अंडे दे दें, और इसके अंदर शायद दाना गिर गया, शायद कबूतरी खा रही है। तो इनको बाहर भी निकालते हैं बहुत देर बिना देरी के। और इस कबूतर को पता नहीं क्या हो गया, ऐसे क्यों बैठ रही है। बाकी कोई बात नहीं, इनको अभी बाहर निकालते हैं और दाना देते हैं, ठीक है दोस्तों, फिर आपको मैं बताता हूँ क्या खुशखबरी है। देख सकते हो सारे कबूतर जो है बाहर निकल चुके हैं, और पानी जल्दी से बिना देरी के बदल लेते हैं, क्योंकि अगर ये गंदा पानी पी लिए तो कबूतर बीमार भी हो सकते हैं। आप भी अपने कबूतर का ध्यान रखा करो, कभी भी गंदा पानी मत पिलाना, नहीं तो आपका कबूतर बीमार भी हो सकते हैं। तो बिना देरी के इस पानी को बदल लेते हैं। सो फाइनली दोस्तों देख सकते हो पानी मैंने भर दिया कटोरे में, तो अभी दे देते हैं बिना देरी के पहले कबूतरों को। तो अब दाना भी देते हैं कबूतरों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूखे हैं कबूतर, तो दे देते दाना जल्दी से। सो दोस्तों ये रहा हमारा दाना का डब्बा, तभी कबूतर को दे देते हैं बिना देरी के। तो बहुत ज़्यादा भूखे कबूतर, तो अभी दे देते दाना इसके अंदर, और ढक्कन को भी खोल लेते हैं। थोड़ा सा दाना नीचे भी गिर गया, देखो दोस्तों कितने भूखे कबूतर, मतलब मैं यहाँ पे दाना भी दे रहा हूँ, हाथ भी कर रहा हूँ, फिर भी खा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा भूखे हैं अभी कबूतर। तो मैंने दाना दे दिया, ठीक है, थोड़ा सा और दे देते हैं, और दाना नीचे भी गिर गया है, कोई बात नहीं कबूतर खा लेंगे। और पता है दोस्तों डेली ना हमारे यहाँ पर पता नहीं क्या होता है, हमारे सेटअप पर एक जंगली डेली आता है कबूतर दाना चुगने के लिए, वो पता क्या करता है, हमारे कबूतर को भी मारता है और खुद दाना चुग जाता है। अभी आपको दिखाऊंगा, और वो जंगली आ भी रखा है जस्ट अभी हमारे सामने ही है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखो दोस्तों ये रहा वो जंगली आ रखा है, अभी देखना दोस्तों ये आएगा अभी दाना चुगने, और ये सारे कबूतर को मारता है और ये अकेला दाना चुगता है, बताओ ये गलत है ना। मैं किसी दिन इसको पकड़ने का सोच रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में बता देना मैं इसको पकड़ूँ कि नहीं पकड़ूँ। वैसे तो मैं सोच रहा हूँ बहुत दिन से पकड़ने का, और मैं इसको पकड़ूंगा तो मैं आपको प्रॉपर वीडियो भी डालूंगा और आपको सिखाऊंगा भी आप कैसे करके किसी कबूतर को पकड़ सकते हो, जंगली कबूतर को। तो अभी फाइनली हमारे कबूतर सारे दाना चुग रहे हैं, अभी आपको मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा कि क्या खुशखबरी है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। ये जो जंगली कबूतर आ चुका है देखो अभी दाना चुगने के लिए, अभी देखना दोस्तों अभी कैसे कबूतर को मारता भी है, मैं आपको दिखाता हूं। देखना दोस्तों, ये देखो दोस्तों, देख सकते हो हमारे कबूतरों को, देख सकते हो दोस्तों हमारे कबूतर को, मतलब ये मार रहा है, साइड कर रहा है, और देखो दोस्तों कैसे कर रहा है हरकत, हमारे कबूतर को मारता है और दाना नहीं चुगने देता है। मेरे को इसको पकड़ने का मन करता है, बहुत गुस्सा आता है इसके ऊपर, क्योंकि देख सकते हो हमारे कबूतर को दाना नहीं चुगने देता। देखो देखो कैसे कर रहा है इसको, मैं सोच रहा हूँ इसको बताना कमेंट बॉक्स में क्या करूँ, इसको पकड़ूँ कि नहीं पकड़ूँ, क्योंकि बहुत हरकत दिखाता है, डेली आता है ऐसे ही और दाना चुगता है, हमारे कबूतर को भगा देता है, ठीक है। देखो दोस्तों देखो यही है वो कमीना कबूतर, देख सकते हो हमारे कबूतर को दाना नहीं चुगने देता है। देखो अभी देखो फिर आएगा, देखो कितना जिद्दी है, देखो दोस्तों मतलब इसका डेली का सिस्टम है, ऐसे ही आता है, ऐसे ही करता है। देखो दोस्तों देखो अभी भी करेगा, देखो देख रहे हो, देखो देखो कैसे कर रहा है, ये लगता है जैसे कि यहीं का पाला हुआ कबूतर है हमारा, और हमारे कबूतर को मारता है ऐसा लगता है, लेकिन ये जंगली कबूतर है। अभी देखो दोस्तों कैसे कर रहा है, ठीक है, हमारे कबूतरों ने मतलब दाना ख़त्म कर दिया खा खा के, तो अभी दे देते हैं और दाना कबूतर को, और भूख लगी है, इतना काफ़ी हुआ कबूतरों के लिए, तो मैंने दे दिया, तभी कबूतर दाना चुग लेंगे। सो दोस्तों अब मैं आपको एक खुशखबरी बताने वाला हूँ जो मैं आपको बता रहा था क्या खुशखबरी है। सो फाइनली दोस्तों जो मैं आपको खुशखबरी बताने वाला था वो खुशखबरी ये है दोस्तों कि मतलब जो हमारे चारों कबूतर हैं उनका मैं काफ़ी दिन से जोड़ लगा रहा था, तो जोड़ लग नहीं रहा था, लेकिन अब फाइनली जो उनका जोड़ लग चुका है, लेकिन अभी ये है कि बेट नहीं मार रहे हैं और मतलब चोचम चोच नहीं करते हैं, लेकिन हाँ जोड़ तो लग गया। फाइनली आपको भी दिखा देता हूँ, ये जो कबूतर है ना, ये वाइट वाला कबूतर है, मैं इसके साथ जोड़ लगा रहा था तो लग गया, और इस कबूतरी का जो है इस कबूतर के साथ जोड़ लगा रहा था, तो इन चारों का जो है जोड़ लग चुका है, लेकिन अभी ये है कि बेट नहीं मारते हैं और चोचम चोच नहीं करते हैं, तो उनका भी बहुत जल्दी जो हम इलाज करने वाले हैं ताकि जोड़ लग मतलब चोचम चोच करे और अंडे बच्चे करे।
तो उसके ऊपर भी प्रॉपर वीडियो आएगी। लेकिन मतलब ये है जो खुशखबरी है कि हमारे जो कबूतर का जोड़ तो फाइनली लग चुका है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि पहली बार मतलब बहुत दिन के मतलब जो मैं कबूतर लाया था और बहुत दिन से मैं कोशिश करता कि कबूतर का जोड़ लग जाए, तो फाइनली जो हमारे कबूतर का जो जोड़ लग ही चुका है, ठीक है। लेकिन यही है कि अभी अंडे बच्चे नहीं कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी जो ये अंडे बच्चे भी करने लगेंगे। और मैं आपको एक बेस्ट तरीका बताऊँगा कि आप कबूतरों से अंडे बच्चे कैसे करवा सकते हो। क्या होता है कि हम कबूतर जोड़ लगा लेते हैं लेकिन अंडे बच्चे नहीं करते। एक भाई ने कमेंट भी किया था, तो उसके ऊपर बहुत जल्दी वीडियो आ जाएगी कि अंडे बच्चे कैसे करवाए कबूतरों से। तो यही थी खुशखबरी। तो हमारे कबूतर ने फाइनली जो दाना भी चुग लिया है, तो ये जो थोड़ा बहुत दाना बच गया है कोई बात नहीं, इसको रख देंगे और थोड़ा बहुत जंगली के लिए फेंक देंगे क्योंकि जंगली आता रहता है। और कबूतरों को भी अभी बंद करने वाले हैं थोड़ी देर में। सोचते फाइनली जो मैंने कबूतर को दाना चुगा के पेट में बंद कर दिया और आपको मैंने खुशखबरी बता दी। तो यही थी एक छोटी सी वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको चैनल पर इस प्रकार कंटेंट मिलते रहते हैं। तो मिलते दोस्तों ऐसी वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।